गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस हैं और प्रीवियस ईयर ये आए भी हुए हैं एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल आई एम टीचिंग ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा लिंक देख सकते हैं और वहाँ पर मुझको फॉलो कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट द न्यू वीडियोज देयर ऑल्सो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन That has come in JEE Mains 2014 online paper. Question rotational motion chapter से है and काफ़ी interesting question है। Already अगर आपने rotation playlist में मेरे videos देखे होंगे तो इस तरीके की problem already we have discussed। तो यहाँ पर देखते question ये है कि consider a cylinder of mass capital M resting on a horizontal rug that is pulled out from under it with acceleration k। तो यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर, हालांकि गिवन नहीं था पेपर में, अगर हम सॉलिड सिलेंडर नहीं मानेंगे तो हमारा चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए हमने इसे सॉलिड सिलेंडर माना है। ठीक है, तो एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि मास एम का है विच इज रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रग सच दैट, कि जब उस रग को हम नीचे से, या ब्लॉक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, उसको अगर हम नीचे से निकालते हैं तो उसका एक्सेलरेशन उस समय ए रहता है। And this acceleration is perpendicular to the axis of cylinder. यानी acceleration की direction मैंने यहाँ पे बना रखी है। ठीक? समझ में आया? अब हमें बताना है what is the friction at this point P? ये point P जो है, जो दोनों के लिए common point P है, cylinder और rug के लिए, उसका हमें उस समय friction बताना है point P। It is assumed that cylinder does not slip. और मैंने कई बार आपको बताया, जब भी लिखा हो कि does not slip, तो इसका मतलब होता है रोलिंग मोशन। क्या होता है यहाँ पे, हम लोग अज्यूम करते हैं रोलिंग मोशन, और रोलिंग मोशन ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो रोलिंग मोशन में देखिए क्या होता है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ये रिलेटिव रेस्ट में होता है। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, माइंड द वर्ड, रिलेटिव रेस्ट में होता है। ऐसा नहीं कह रहे कि मोशन नहीं करता है, रिलेटिव रेस्ट में करता है, यानी कि ये पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ये जो इसका रग का पॉइंट है और इस पॉइंट को अलग अलग अगर कर ले तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है। बस इतना मतलब होता है सिलेंडर डज नॉट स्लिप का मतलब। तो उस पॉइंट पे हमें अब फ्रिक्शन पता करना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो इसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले आप समझिए कि जब आप रग को ऐसे घसीटेंगे तो क्या होगा, ये यू रोटेट कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे ओमेगा लिखा है, और इसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो इसी डायरेक्शन में रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को अलग कर लेते हैं, जो दोनों पॉइंट एक साथ हैं इनको अलग कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में अलग अलग। वी हैव टू फ्री द बॉडी फ्रॉम अदर फोर्सेस, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट से हम उनको अलग करें। तो P1 अलग कर लिया और P2 अलग कर लिया। तो सबसे पहले हम अपने इस रग में देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। इट्स ऑलरेडी गिवन कि इसका एक्सेलरेशन A इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बिकॉज हमने अज्यूम किया इधर की तरफ इसको लिया गया। अब क्योंकि इसका एक्सेलरेशन A है इस साइड पे, तो ये रिलेटिव मोशन को रोकेगा, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता है, किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस रेंज में ये लगेगी, इस डायरेक्शन देखें ये, ठीक है। और न्यूटन के थर्ड लॉ से जब इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी तो इसमें इधर लगेगी, और इसी के कारण ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, और साथ में ये जो है टॉर्क भी देगा ये एफ फ्रिक्शन। और भी फोर्सेस देख लेते हैं हम लोग अपने सिलेंडर में, तो नॉर्मल फोर्स है और दूसरा mg है, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है, दैट इज एफ फ्रिक्शन, और यहाँ पे इसका एच, बिकॉज देयर विल बी अ सम फ्रिक्शन हियर, तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ फोर्स है एफ नेट यहाँ पे लग रहा है, जिसके कारण एक्सेलरेशन जो है acm हो जाएगा। अब ऑलरेडी मैंने बताया कि आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कि बी इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख दिया और ए इज इक्वल टू आर अल्फा लिख दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें इन दोनों पॉइंट का अलग अलग एक्सेलरेशन लिखना होता है और उसको इक्वेट करना होता है, तब प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट आता है।
तो हमने यहाँ क्या लिखा, देखिए AP1 is equal to AP2, मतलब जितना भी एक्सिलरेशन P2 पॉइंट का होगा वही एक्सिलरेशन P1 पॉइंट का भी होगा। तो अब हम देखिए यहाँ पर एक्सिलरेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है इस साइड का, देखिए P2 पॉइंट का अगर एक्सिलरेशन देखें तो वो A है, और इसका अगर एक्सिलरेशन देखें तो वो ACM है, और साथ में बिकॉज फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन आप देखिए क्लॉकवाइज है, इसलिए ऐड कर दिया R अल्फा। यहाँ अगर कंसीडर करेंगे तो R अल्फा भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए ACM प्लस R अल्फा हो गया। तो अब आप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं F फ्रिक्शन इज इक्वल टू M इनटू ACM, तो ACM क्या निकल के आएगा, F फ्रिक्शन अपॉन M, ठीक है। ये कहां से लिखा, यहां से F फ्रिक्शन इज इक्वल टू M टाइम्स ACM, तो ACM इज इक्वल टू F फ्रिक्शन बाय M, ये आ गया। इसी तरीके से आप टॉर्क देखिए, नॉर्मल तो टॉर्क नहीं देगा बिकॉज जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है या जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है नॉर्मल उसी से पास कर रहा है, तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, mg भी वहीं से पास कर रहा है तो ये भी टॉर्क नहीं दे सकता, ओनली वन फोर्स विच कैन गिव टॉर्क इज F फ्रिक्शन, तो F फ्रिक्शन इनटू R विल गिव टॉर्क ICM इनटू अल्फा, तो यहां से अल्फा भी निकाल लीजिए, अब आ जाएगा आपका F फ्रिक्शन इनटू R अपॉन ICM। तो यहां से क्या करिए, इस इक्वेशन के अंदर ACM की वैल्यू आप पुट करिए ये वाला, ठीक, और साथ में ये अल्फा यहां पे पुट कर दीजिए जाके, इन दोनों वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो ए आएगा F फ्रिक्शन अपॉन M प्लस R स्क्वायर इनटू F फ्रिक्शन अपॉन, और ये क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है सॉलिड सिलेंडर का ICM, तो वो यूज कर लीजिए, उसको यूज करेंगे तो देखिए आर स्क्वायर कट गया, F फ्रिक्शन बाय M आप अलग कर लीजिए, 2 देखिए आपका चला गया ऊपर, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, तो क्या आपके पास आया 3 फ्रिक्शन बाय M इज इक्वल टू A, ठीक है, समझ गए आप, ये यहाँ देखिए चला गया, नहीं समझ पा रहे हैं तो ये, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 हो गया कि नहीं, 3 फ्रिक्शन बाय M इज इक्वल टू A, तो F फ्रिक्शन इज इक्वल टू MA बाय 3, तो ये यहाँ से आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। तो देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन था, पर जब आप प्रैक्टिस करके रखेंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे प्योर रोलेंगे तभी आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फ्रॉम वर्क पावर एनर्जी, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस 2017 ऑनलाइन पेपर। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम हाइट एच विच इज टेकन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ये है मतलब इसका, एवरी टाइम इट हिट्स द ग्राउंड इट लूजेस 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, सो द डिस्टेंस कवर्ड एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी इज, यानी कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, समझिए बात को, एक बॉल यहाँ ऊपर है और उसका u इज इक्वल टू जीरो है, बिकॉज कैसे पता, ड्रॉप किया गया, ड्रॉप किया गया तो वो नीचे ऐसे जाके टकराया और वो h हाइट आया। अब देखिए क्या हुआ, जब वो नीचे आया तो मान लीजिए उसकी कोई वेलोसिटी u1 हो गई, ठीक, अब जब वो टकराया u1 वेलोसिटी से, तो जब जैसे ही टकराया तो 50% अपनी काइनेटिक एनर्जी वो लूज कर दिया। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, हाफ एम यू वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, तो ये तो लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जब वो अब लूज किया अपनी एनर्जी, तो उसकी जो नेक्स्ट टाइम जो उसके पास फाइनल एनर्जी थी दैट वॉज हाफ ऑफ, इतनी थी देखिए इसका हाफ हो गया, ठीक है, मतलब जो अब की बार की एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ ऑफ दिस, तो हाफ ऑफ दिस होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम जी एच बाई टू, यानी वो एच बाई टू हाइट जाएगा, अगली बार फिर जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो हाफ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और देखिए काइनेटिक एनर्जी तो एम जी एच के बराबर होता है, अगर हाफ हो जाएगी तो हाइट भी हाफ हो जाएगी कि नहीं, ऐसे देख लीजिए ना, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, तो अगर ये हाफ कर देंगे तो हाइट भी एच, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, जी तो चेंज नहीं हो रहा है, एच ही चेंज हो रहा है, तो हर बार जब वो जाता है तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब अब देखिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, सबसे पहले वो एच ट्रैवल किया, अगली बार वो कितना ट्रैवल किया, पहली बार ऊपर से आया तो एच ट्रैवल किया,
जब टकराया तो उसकी एनर्जी कम हो गई, तो कितना हो जाएगा h बाई टू, फिर वो h बाई टू आएगा तो 2 टाइम्स h बाई टू हो जाएगा, ठीक। फिर इसका हाफ हो जाएगा h बाई फोर, फिर कितना हो जाएगा h बाई एट, फिर h बाई 16, क्योंकि हर बार ही हाफ हो जाएगा और 2 ट्वाइस होगा, केवल पहली बार जो है वो ऊपर से नीचे आया था लेकिन जाते वक्त वो h बाई टू हो गया था, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, इस 2 को अगर हम अंदर भेज दें तो ये भी h हो जाएगा, h प्लस h, और ये फिर h बाई टू हो जाएगा, फिर h बाई फोर हो जाएगा, फिर h बाई एट हो जाएगा, तो ये gp बन गया, ठीक है। तो h अलग कर लीजिए और यहाँ पे h कॉमन ले लीजिए, तो ये gp हो गया 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल क्यूब, इस तरीके से ये इंफिनिटी तक चला गया। तो h प्लस h 1/(1 - 1/2) ये फॉर्मूला होता है, a अपॉन a माइनस r, ठीक है, a अपॉन 1 माइनस r ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। फिर कितना हो गया देखो, a 1 माइनस से हाफ करोगे तो 2 हो जाएगा ऊपर, तो दिस इज h प्लस 2h यानी कि 3h, तो हमारा ऑप्शन क्या है 3h। हालांकि ये जब पेपर आया था जो है जे मेंस में, तो ये 3H ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं था, तो ये बोनस था बिकॉज उन्होंने बताया ही नहीं था 3H, और 3H आना चाहिए, वो शायद ऐसा सोचे कि पहली बार जो कोलिजन के बाद से कितनी डिस्टेंस है, ऐसा उन्होंने सोचा, लेकिन ऐसा लिखा नहीं क्वेश्चन में, इसलिए बोनस था, इसलिए मैंने ऑप्शन डाल दिया है 3H, यहाँ पर आपका आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, यूनिट डायमेंशन से, ये भी जेई मेन 2017 ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ऐसी प्रॉब्लम आपने ऑलरेडी एसी वर्मा के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देख रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि टाइम टी, वेलोसिटी सी एंड एंगुलर मोमेंटम एच आर चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, तो वैसे भी होता है, इन टर्म्स ऑफ दीज डायमेंशंस ऑफ मास विल बी, यानी मास को अगर इनके टर्म्स में लिखा जाए तो कैसे करेंगे इक्वेशन। तो देखिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इनके अंदर रख दें और जिसमें m बच जाएगा वही करेक्ट होगा, तो हम a ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे t की पावर माइनस 1 है तो इसको 1/(time) लिख सकते हैं हम लोग। c क्या होता है, lt माइनस 1, तो l t माइनस 1 की पावर माइनस 2, और h क्या होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम यानी एम वी आर, तो m, ठीक है, v मतलब एल टी माइनस 1 ये हो गया, और r का मतलब l, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आएगा देखिए, 1/t, दिस इज 1/l² क्योंकि l की पावर माइनस 2 है, और ये t माइनस 1 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ये m ही रहेगा, ये l स्क्वायर हो गया, और ये t माइनस 1 है यानी नीचे भेज दो इसको। अब आप देखिए यहाँ पे l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो गया, t इंटू टी टी स्क्वायर, और ये आ गया m, बस देखिए इतना इजी प्रॉब्लम था, और पहले ही ऑप्शन चेक हो गया कि आ गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं होता तो चेक करते खुद ही आपको आइडिया लग जाता कि कौन सी पावर करेक्ट होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन, जो कि जे मेन 2016 ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है, रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ विद द एक्सीलरेशन ऑफ 2g, तो यहाँ पे मैंने बना भी दिया है, द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मिन बिटवीन द मास एंड द इंक्लाइंड सरफेस सच दैट द मास डज नॉट मूव इज, तो हमें यहाँ पे म्यू मिनिमम निकालना है। म्यू मिनिमम का क्या मतलब होता है, म्यू स्टैटिक, ठीक है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, यानी कि हमें फोर्सेस को यहाँ पे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पर, उस पे जिस पे ये हमारा ब्लॉक रखा गया है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। आप जानते हैं जहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, और जहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बिकॉज रॉकेट एक्सिलरेट कर रहा है,
तो कभी भी अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सिलरेट करता है तो दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए हम बात को? तो जब हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्वेश्चन को करना होता है तब हमें स्यूडो फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। और इसीलिए शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप स्यूडो फोर्स लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि सभी एनएलएम के क्वेश्चंस में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है, तो यहाँ ये रहा हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये थीटा, ठीक है, ये हमारा मास है एम, हम ऐसे आपका एम जी लग रहा है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, इस तरीके से लग रहा है। फ्रिक्शन, बिकॉज जब ये एक्सेलरेट करेगा तो बॉडी नीचे की तरफ ही जाएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, एफ इधर लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और पैरेलल टू द एक्सिस सारे फोर्सेस को वो कर लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे। तो ये देखिए इधर करेंगे तो क्या आ गया, एम जी कॉस थीटा, और इधर करेंगे इसका कंपोनेंट ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है ये सारी चीजें, ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो एनएलएम चैप्टर पढ़िए आप, एम जी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए अर्थ पे ये रखा होता तो बस इतना डायग्राम बनता है, ठीक है, लेकिन ये अर्थ पे नहीं है, ये कहाँ पर है, रॉकेट पे, तो रॉकेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है। वो एक्स्ट्रा फोर्स क्या लगाते, देखिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सिलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ये रेफरेंस फ्रेम है जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, अगर अर्थ रहता तो जीरो रहता है तो एम इंटू जीरो कर देते हैं, तो कुछ लगाना नहीं पड़ता हमको, ठीक। लेकिन यहाँ पर रॉकेट है तो रॉकेट का एक्सेलरेशन दिया गया है 2mg, तो ये हो गया m इंटू 2g, यानी कि 2mg लगाना है। तो किस डायरेक्शन में लगाते हैं, तो जिस डायरेक्शन में रॉकेट जा रहा है उसके अपोजिट लगाएंगे तभी तो बैलेंस होगा, ठीक है, अपोजिट लगाएंगे तो यहाँ पर आप क्या करिए, इस mg में 2mg और ऐड कर दीजिए तो 3mg हो गया, तो ये कितना हो गया 3mg, ये भी क्या हो जाएगा 3mg, अर्थ होता तो केवल mg रहता, यहाँ हो गया तो 3mg हो गया। अब बहुत ही इजी है, अब आप क्या करेंगे, बैलेंस है बिकॉज, तो m की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3mg cos थीटा, और जो फ्रिक्शन है वो हो जाएगा, अब देखिए इधर केवल दो ही फोर्स है n, और ये बैलेंस हो गया तभी ये नहीं चलेगा यहाँ पर, बिकॉज यहाँ लिखा इट डज नॉट मूव, नहीं चलने के लिए फोर्सेस क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड। तो n इज इक्वल टू 3mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 3mg sin थीटा। अब फ्रिक्शन को क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू इंटू एम, तो इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो 1/μ कितना आ गया, cot थीटा, तो म्यू कितना आ गया, tan थीटा। तो देखा बहुत ही इजी क्वेश्चन आया, नॉर्मल बुक्स में ऐसे प्रॉब्लम दिए ही रहते हैं, बस केवल क्या मेन पॉइंट था यहाँ पे, स्यूडो फोर्स का मेन था बिकॉज इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, दैट इज फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी मोशन इन अ प्लेन चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था जे मेन 2014 में, एक बार फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम लोग करे रहते हैं जिस तरीके क्वेश्चन। इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल इज गिवन 630 meter per second, यानी यू दिया गया हमें, ठीक है, क्या दिया है, यू 630 meter per second। द राइफल इज फायर्ड एट द सेंटर ऑफ अ टारगेट 700 meter अवे एट द सेम लेवल एज द टारगेट, यानी जहां पर आपका टारगेट है उससे 700 मीटर की दूरी पर सेम लेवल पे, मतलब हाइट वाइट नहीं है, ठीक है, इसको मानना है हमको राइफल से कुछ एंगल बना के, ठीक है, थीटा एंगल, ठीक है, जिससे कि जब ये प्रोजेक्टाइल जाए तो इसको हिट कर दे, ठीक। हाउ फार अबव द सेंटर ऑफ द टारगेट द राइफल मस्ट बी एम्ड इन ऑर्डर टू हिट द टारगेट। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप इसको मारेंगे तो आप तो ये सोचते हैं कि ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि वो अपना पाथ नीचे की तरफ कर लेता है। तो यहाँ टारगेट करने के लिए हमसे पूछा जा रहा है किस हाइट पे एम किया जाए जिससे कि ये हिट कर दे यहाँ पर, ठीक है, ये हाइट पूछी जा रही है, एच, यू नो कि ये आर होता है, रेंज होता है, ठीक है, जहां पे भी हिट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज उस पोजीशन को। अब यहां से एक इक्वेशन जो बहुत इजीली सभी लिख सकते हैं, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r,
ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो टैन थीटा हमने लिख दिया यहां पर एच अपॉन आर, ये एच हमें पता करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब यहां पर यू आपको मालूम है ठीक है, और टैन थीटा पता है, आर है, तो यानी कि आर का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, बस इतना पता होना चाहिए, तो वैसे भी क्लास 11 में सभी पता रहता है ठीक है। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा, बिकॉज हम जानते हैं टैन थीटा और हमें दिया है साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो टैन थीटा के टर्म्स में होता है, दैट इज टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये पता होना चाहिए ठीक है। आपको पता है कि cos 2 थीटा होता तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, और sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। तो कुछ मत करिए आप, अब ये tan थीटा की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो sin 2 थीटा यहाँ पर आ जाएगा। तो r देखिए क्या हो गया हमारा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पे रख दीजिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू जी ठीक। अब tan थीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज h अपॉन r, और r दिया है 700 मीटर, देखिए कहीं तो दिया है ये 700 मीटर अवे फ्रॉम द टारगेट, तो ये 700 मीटर है आपका r, तो ये सब हम यहां पर रख देंगे और हमें h निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहले r इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 630 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू h अपॉन r ठीक, और ये 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये रहा ठीक है, और जी, अच्छा ये टैन थीटा था, यहाँ पर जी हो गया ठीक। तो अब आप इसको आर को इधर भेज दीजिए, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको जी को इधर भेज दीजिए तो ये जी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर भेज दीजिए आर स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ठीक। तो क्या क्या आ गया देखिए यहां पर, जी इंटू आर स्क्वायर प्लस जी इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 630 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एच ठीक, ये आया आपके पास। अब यहां पर देखिए जो जी है, जी को 10 अगर मान लें तो इसको उड़ा देते हैं यहां से, और 10 यहाँ चला जाएगा ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, एक 630 इधर चला गया और ये कट गया यहाँ पर, तो ये इतना आ गया ठीक। अब r कितना था, 700 का होल स्क्वायर, यानी कि देखिए बहुत बड़ी सी इक्वेशन आ रही है, 63 into 630 into h, और फिर क्या होगा प्लस r स्क्वायर, यानी 700 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमें अब सॉल्व करना पड़ सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा है अगर हम यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें और तब आंसर देखें। जैसे कि कुछ तो आसान सी वैल्यू है जैसे कि 1 ठीक, तो इसको 1 आप रख के देखें, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे तो जब आप रखेंगे 63 into 2 into 630 into 1, तो देखिए ऑलरेडी बहुत छोटा है क्योंकि ये 700 का स्क्वायर है, जबकि ये 630 है और ये काफ़ी छोटा नंबर है 126, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा नंबर आना चाहिए ठीक है, इतना बड़ा नंबर एक रखने से काम नहीं चलने वाला, तो ये एटलीस्ट एक ऑप्शन तो हमारा चला ही गया। अब हम यहाँ पे 10 रख सकते हैं, 9.8 दिया है, 10 रख सकते, देखते 10 रखने से क्या होगा। अब 10 आप जब रखेंगे तो यहाँ 630 हो जाएगा, देखिए यहाँ कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ रखने से ठीक है, बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि ये 630 का होल स्क्वायर और साथ में उसका 2 टाइम्स हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ा नंबर हमारा बन जाएगा, जब 10 करेंगे तो ये निगेटिव वाला बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कि 10 से भी छोटा नंबर है।
तो कहने का मतलब है कि आपको सब्स्टिट्यूशन करके ही एक आंसर आप इसको निकाल सकते हैं। सॉल्व करने में तो बहुत ही टाइम लगने वाला है, तो इसमें 4 रख लीजिए, इसको 6 रख लीजिए, देखिए जो भी क्लोज आए वही आंसर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनकी कैलकुलेशन हमें इसी तरीके से करनी होगी। और यहाँ पे आंसर देखा गया कि 6.1 के क्लोज आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा आज 5 प्रॉब्लम्स जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे, और इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आखिर कॉन्सेप्ट कैसे आते हैं। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको जो भी पढ़ाया जाता है 11th और 12th में उसको ढंग से पढ़ना है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है। थैंक यू वेरी मच।